तो फ्रेंड्स, ये मेरी रेसिपी देखने के लिए आप वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने गैस को ऑन करके गैस पे कढ़ाई रख दिया है गर्म होने के लिए, और इसमें थोड़ा सा तेल डाल लिए, मान के चलिए 2 या 3 चम्मच तेल हम डाले हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें हम डाल देते हैं 1 चम्मच खड़ा जीरा, और यहाँ पे 2 से 3 हरी मिर्च कट के करके ले लिए हैं, उसे भी डाल देते हैं, और जीरा को चटकने देते हैं, मिर्च को भी होने देते हैं। तो यहाँ पे देखिए मिर्च हमारा हो रहा है, और इसे चलाते हुए हल्का सा मिर्च को हम कर लेंगे लाल। और यहाँ पे हमने 2 प्याज कट करके बिल्कुल बारीक कट करके ले लिया है, तो प्याज को भी डाल दिए हैं। प्याज को हम तब तक भूनेंगे जब तक कि ये हल्का ब्राउन ना हो जाए, बहुत ज्यादा लाल नहीं करना है, बस इसको हल्का सा हमें भून लेना है। तो ये देखिए प्याज हमारा हो चुका है। अब यहाँ पे हम ले लिए हैं टमाटर कट करके, तो टमाटर भी मेरा 2 था, 2 टमाटर को बारीक कट करके टमाटर को भी डाल दिए हैं। और अब ये जो है इसे हमें भून लेना है अच्छे से बिल्कुल। यहाँ पे हम ले लिए हैं 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, हल्दी पाउडर डाल दिए हैं, 1/2 चम्मच जो है काली मिर्च पाउडर डाले हैं, और सबको डाल के अब हमें इसे अच्छे से बिल्कुल भून लेना है। तो इसे चलाते हुए हम भूनेंगे, नहीं तो टमाटर और प्याज हमारा जल जाएगा, तो कलर अच्छा नहीं आएगा, टेस्ट भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा खाने में। तो इसे हमें पका लेना है टमाटर और प्याज को। अब हम यहाँ पे टेस्ट अनुसार डाल देते हैं नमक, तो नमक यहाँ पे हम डाल दिए हैं, आप अपने टेस्ट अनुसार नमक डाल दीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने नमक को भी डाल दिया, और डालते हुए इसे अभी हम टमाटर को बिल्कुल सॉफ्ट कर लेंगे बिल्कुल अच्छे से। जब टमाटर और प्याज हमारा पक जाएगा, ये देखिए बिल्कुल टमाटर अच्छे से पक गया है। आप चाहे फ्रेंड्स तो टमाटर को मैंने यहाँ पे कट करके डाला है, आप इसका प्यूरी भी बना के डाल सकते हैं। और ये मैंने लिया है 250 ग्राम मेरा पनीर है, तो पनीर को मैंने यहाँ पे 1 कद्दूकस ले लिए है, उस पर ग्रेट कर लेंगे और पनीर को ग्रेट करते हुए डालेंगे। तो यहाँ पे हम ग्रेट करते हुए डाल रहे हैं पनीर को। आप चाहे तो पनीर को हाथों से भी फोड़ कर डाल सकती हैं, इससे क्या होगा कि बिल्कुल ग्रेट करने से बिल्कुल आपका कहीं से भी लप्स नहीं बनेगा, और बहुत ही अच्छा आपका ये पनीर का भुजिया बन के तैयार होगा। तो यहाँ पे हम पनीर की भुजिया बना रहे हैं, बहुत ही टेस्टी ये सब्जी बनती है। तो यहाँ पे मेरे बेटे का फरमाइश था, तो मैंने उसके फरमाइश पर ही ये पनीर का भुजिया बनाया हुआ है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी ये शेयर कर लेते हैं। तो इसे चलाते हुए अब हमें इसे भून लेना है, बिल्कुल बढ़िया से तैयार होगा ये पनीर का भुजिया। तो देखिए यहाँ पे हमें भूनते हुए करीब 5 से 7 मिनट हो चुका है, और इसे अभी हम थोड़ा सा और भून लेते हैं, ताकि जो पनीर का जो है बिल्कुल इसके अंदर पानी होता है तो पानी जल जाएगा, और बहुत ही बढ़िया ये भुजिया बनके रेडी होगा। तो इसे चलाते हुए हम भूनेंगे। तो ये देखिए पनीर हमारा जो है अब लगभग तैयार हो चुका है, 2 मिनट और पका लेते हैं चलाते हुए। बहुत ही टेस्टी ये पनीर का भुजिया बनता है, आप लोग एक बार मेरी रेसिपी से बना के देखिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। तो यहाँ पे मैंने गैस को कर लिया ऑफ, और अब इसे हम इसके ऊपर से थोड़ा सा डाल देंगे हरा धनिया। हरा धनिया डालने से टेस्ट भी अच्छा आता है और देखने में भी अच्छा आता है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये देखिए मेरी पनीर जो है भुजिया बन के रेडी हो गया। तो आप लोगों को कैसा लगा ये शेयर जरूर करिएगा सभी के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, और वीडियो आने पे कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोगों का एक कमेंट